नाउ लेट्स सी द चैप्टर नंबर 8 सिविक्स मार्केट्स अराउंड अस। अब मार्केट तो आपने देखा ही होगा, जहाँ पे बायर होता है सेलर होता है। ऑब्वियसली अगर हिम्मतनगर की बात करें तो आपने के देखा होगा, अगर वेजिटेबल मार्केट होता है, फिर बहुत डिफरेंट डिफरेंट मार्केट होता है। सो हियर वी गो, अ मार्केट इज़ वेयर बायर एंड सेलर आर इन्वॉल्व इन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। इट्स एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर भी होता है सेलर भी होता है, जो बेचने वाला होता है खरीदने वाला होता है, और एक ही जगह पे वो क्या इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पे लिंक होती है, एस्टेब्लिश लिंक होती है जिसको लेना है और जिसको बेचना है। सो हियर वी गो, फर्स्ट वन वीकली मार्केट। अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली मार्केट किसको कहा जाता है, वो कोई एक दिन को वो मार्केट क्या होता है चलता है, ऐसा नहीं कि पूरे वीक, कोई पर्टिकुलर वीक पे स्पेसिफिक वीक पे उसको हेल्ड किया जाता है कि आज ये मार्केट है। और वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव अ परमानेंट शॉप। अब जो वीकली मार्केट होता है उनका कोई परमानेंट शॉप होता है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हिम्मतनगर की बात करें को संडे को यहाँ पे कहीं पे मार्केट होता है, वो हर दिन नहीं होता, बट पर्टिकुलर डे पे मार्केट वो भरा जाता है, और उनको परमानेंट शॉप नहीं होती, उस दिन वो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट इन इंडिया। और ऐसे जो मार्केट है वीकली मार्केट है, कोई भी पर्टिकुलर एक दिन पे वो वीकली मार्केट आते हैं और उनकी परमानेंट शॉप होती नहीं, और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मार्केट हमारे इंडिया में हैं। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरी डे रिक्वायरमेंट्स। और लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनकी एवरी डे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर पूरी हो जाती है। ट्रेडर्स सेट अस सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड क्लोज देम अप इन द इवनिंग। अब जो ट्रेडर्स है, जो व्यापारी है, वो एक दिन के लिए यहाँ पे शॉप खड़ी करते हैं और आफ्टर दैट शाम को उसको क्लोज करके चले जाते हैं। मैनी थिंग्स आर अवेलेबल इन अ वीकली मार्केट चीपर रेट्स। अब देखो वीकली मार्केट का फ़ायदा क्यों है, लोग वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाती है और वो भी चीप रेट में मिल जाती है। वीकली मार्केट्स इवन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड्स, विच मीन्स दैट देर इज़ नो कॉम्पिटिशन अमॉन्ग दैम। अब देखो जो वीकली मार्केट हैं, एक ही तरह की चीज़ें वहाँ पे हर शॉप में बेचते हैं, एक ही दिन पे वो वीकली मार्केट होता है, और उनके अंदरों अंदर कॉम्पिटिशन होता है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों का जो रेट होता है वो क्या होता है, चीप होता है। वन एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज़ दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए वो हमें एक ही जगह मिल जाती है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत होती है नहीं। नाउ नेक्स्ट इन द शॉप इन द नेबरहुड। वीकली मार्केट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं हमारे आसपास जो शॉप होती है उसके बारे में। देर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विस इन आवर नेबरहुड। हमने देखा कि बहुत सारी शॉप होती है हमारे आसपास जो सेल करती है, जो गुड्स माल सामान काफ़ी सारी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रोसरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट स्टोर etc। एग्जाम्पल के तौर पे दे ले तो आपके घर के आसपास प्रॉपर डेयरी होती है जहाँ पे आप जाके क्या लेते हो, मिल्क बाय करते हो, और बाकी जो ग्रोसरी होती है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाके क्या करते हो, आप बाय करते हो। दीज शॉप्स आर यूजफुल एज दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। और ये जो हमारे नेबर में जो शॉप होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्यों होती है, क्योंकि वो एक तो हमारे पास होती है, हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है नहीं, प्लस ये जो वीकली मार्केट है वैसा नहीं है, ये पूरे सातों दिन ओपन रहती हैं, तो हम कभी भी जा सकते हैं अगर हमें कोई भी चीज़ की नीड है। तो दो चीज़ें देखी हमारे आसपास नेबर के नेबर में जो शॉप्स होती है वो, और हमने देखा जो वीकली मार्केट होता है वो। नाउ वी विल सी द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो आपने देखा है, फॉर एग्जांपल हम हिम्मतनगर की बात करें तो हमारे यहाँ पे है रिलायंस है, वैसे ही देखते हैं। देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया विच हैव मैनी शॉप्स एट द वन प्लेस कॉल्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो
अर्बन एरिया में बहुत सारी शॉप है वो एक ही जगह होती है, जिसे हम बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जो रिलायंस है वो शॉपिंग सेंटर है, बट जो हिम्मत सिंह मॉल है, हिम्मत सिंह कॉम्प्लेक्स है, आप अगर आपने देखा होगा, हिम्मत नगर की बात कर रहा हूँ, तो जो टावर पे हैं वो क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे एक ही रूफ के नीचे बहुत सारी शॉप हैं। इन मैनी अर्बन एरिया वी ऑल्सो हैव मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशनर बिल्डिंग्स विद अ शॉप ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स एज अ मॉल। अब यहाँ पे मॉल भी देखे, एयर कंडीशन मॉल होते हैं, हर फ्लोर में अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स होती है, हर शॉप में पूरा अलग अलग क्या होता है, थीम होता है, वहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलता है। इन दीज अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। और ये जो अर्बन मार्केट्स होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, इसमें आपको ब्रांडेड क्लोथ्स भी मिल जाएंगे और नॉन ब्रांडेड भी मिल जाएंगे। तीन चीज़ें देखी, अब हम देखते हैं चेन ऑफ मार्केट। द पीपल इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर्स। द पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स इन द प्रोड्यूसर, द पर्सन हु बाइज गुड्स फ्रॉम हिम इज अ होलसेलर, एंड द होलसेलर गिव इज टू ट्रेडर्स एंड हु गिव इट्स टू द कंज्यूमर। अब यहाँ पर हमें समझाया गया है कि जो जो पर्सन होता है वो सबसे पहले कोई भी चीज़ को क्रिएट करता है, क्रिएट करने के बाद वो जो चीज़ है वो कौन खरीदता है, वो माल सामान होलसेलर होता है। वो होलसेलर कौन होता है, जो काफ़ी मात्रा में एक ही चीज़ खरीदता है। और ये जो होलसेलर है वो किसको देता है, ट्रेडर्स को वो चीज़ देता है। फॉर एग्जांपल व्यापारी है, फॉर एग्जांपल आप अभी की बात करें सैनिटाइज़र है, ठीक है, तो मैं हूँ प्रोड्यूसर सैनिटाइज़र का, मेरे पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैंने सैनिटाइज़र क्या किए, बनाए, और मैं सैनिटाइज़र किसको बेचूँगा, होलसेलर होगा, वो काफ़ी मात्रा में सैनिटाइज़र ले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सैनिटाइज़र का होलसेलर हिम्मत नगर में सिर्फ एक ही है, और उसके बाद जितने भी हिम्मत नगर में शॉप वाले वो कहाँ जाएंगे, वो होलसेलर के पास, और उसके पास से सारी बॉटल्स वहाँ पे ख़रीद लेंगे अलग अलग, जो भी शॉप होते हैं, शॉपकीपर होते हैं वो, और वो अलग अलग शॉपकीपर के बाद फिर लोग वहाँ जाते हैं और वो कंज्यूम करते हैं, वो लेते हैं, वो हमारे क्या हुए, बायर। दिस ट्रेड इज़ नॉन एज अ रिटेलर, और इसे कहा जाता है रिटेलर कहा जाता है। द रिटेलर कुड बी अ ट्रेड इन अ वीकली मार्केट, हॉकर, नेबरहुड शॉप, ऑनर इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो रिटेलर है वो हर जगह होता है, ये जो ट्रेडर हुआ ना, ये ऐसे ट्रेडर को क्या कहा जाता है, रिटेलर कहा जाता है, जो होलसेलर के पास से लेते हैं और हमें बेचते हैं। मार्केट्स एवरीवेयर, ऑल मार्केट्स वर्क्स इन अ स्पेस इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। जितने भी मार्केट्स होते हैं वो पर्टिकुलर मैनर्स और टाइम के साथ चलते हैं, पर्टिकुलर टाइम होता है उनको दिया जाता है, वो टाइम पे क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होते हैं, इनका चलता रहता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन अ डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप इन द मार्केट। अब जो बाइंग या सेलिंग है, अलग अलग वेज होते हैं उसके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप शॉप के अंदर जाओ वहाँ से खरीदो, बहुत सारे वेज हैं। देर आर इवन मार्केट्स वी मे नॉट बी अवॉइड दिस सीज बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ गुड्स दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली आर ऑल्सो बॉट एंड सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल कार फैक्ट्री परचेज इंजन पार्ट्स, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल्स, व्हील्स, ईटीसी फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज। वी हाउएवर डू नॉट गेट टू नो अबाउट आइदर द मैन्युफैक्चरर और द सेलर इन्वॉल्व। काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं है कि काफ़ी मात्रा में इसको ख़रीदा भी जाता है, उसको सोल्ड भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया कि कार फैक्ट्रीज हैं, तो जो कार फैक्ट्री है वो कार फैक्ट्री हर चीज़ खुद क्रिएट नहीं करती, इंजन है, पार्ट्स है, गियर्स है, पेट्रोल टैंक्स है, सारी व्हील्स है, हर चीज़ अलग अलग जगह से वो क्या करते हैं, परचेस करते हैं। और जब पूरी कार बनती तो हमें पता नहीं चलता कि ये एक ही कंपनी के, अलग अलग कंपनी के पार्ट्स उसमें क्या होते हैं, लगाए हुए होते हैं। तो मार्केट इस तरह वर्क करता है, बहुत सारे मार्केट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, नेबरहुड शॉप, वीकली मार्केट, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हमारे आसपास होते हैं। आई होप ये चैप्टर में समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 9।